iPhone 14 Pro हाल ही में लॉन्च किए गए Samsung Galaxy S23 Ultra के मुकाबले में सिंगल कोर और मल्टी कोर परफॉर्मेंस दोनों में तेज पाया गया है। फोन 14 Pro हाल ही में लॉन्च किए गए Samsung Galaxy S23 Ultra के मुकाबले में सिंगल कोर और मल्टी कोर परफॉर्मेंस दोनों में तेज पाया गया है। दोनों फोन के हाल ही के बेंचमार्क से पता चला है। Galaxy S23 Ultra सबसे प्रीमियम स्मार्टफोन में से एक है जो सबसे पावरफुल चिपसेट Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 के कस्टम वर्जन से लैस है। वहीं iPhone 14 Pro Apple Bionic Soak पर काम करता है जो कि मौजूदा iPhone में सबसे फास्ट चिप है। Comparedial की एक रिपोर्ट के मुताबिक iPhone 14 Pro सिंगल कोर परफॉर्मेंस में Samsung Galaxy S23 Ultra के मुकाबले में 21% ज्यादा तेज है, जो नए लॉन्च किए गए Samsung स्मार्टफोन के लिए लीक हुए गीक में चस्को पर बेस्ड है। iPhone 14 Pro का सिंगल कोर टेस्ट में स्कोर 1874 है, जबकि Galaxy S23 Ultra का स्कोर 1480 है। इससे साफ होता है कि एप्पल के फ्लैगशिप फोन में सैमसंग के मुकाबले में बढ़त है। इस बीच आईफोन 14 प्रो का मल्टी स्कोर टेस्ट में 5384 का स्कोर है, जो गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के 4584 के स्कोर से भी ज्यादा है। बेंचमार्क से पता चलता है कि सिंगल कोर टेस्ट के मुकाबले में मल्टी कोर परफॉर्मेंस में सैमसंग से एप्पल ज्यादा आगे नहीं है। जीस मरीना की एक हाल ही में आई रिपोर्ट गैलेक्सी S23 अल्ट्रा के लिए समान रिजल्ट दिखाती है, जिसने Xiaomi 12S अल्ट्रा, Xiaomi 12 Pro और गैलेक्सी S22 अल्ट्रा से ज्यादा स्कोर किया, लेकिन सिंगल कोर टेस्टिंग में iPhone 14 Pro Max और Nubia Red Magic 8 Pro से कम स्कोर किया। मल्टी कोर टेस्टिंग में गैलेक्सी S23 अल्ट्रा iPhone 14 Pro Max के बाद दूसरे स्थान पर था, जिसने अपने पुराने मॉडल के साथ Nubia और Xiaomi फोन को पीछे छोड़ दिया। अपने पुराने मॉडल से अलग Samsung Galaxy S23 सभी मार्केट में एक Snapdragon चिपसेट पर काम करता है, जिसका मतलब है कि इस साल Exynos वर्जन उपलब्ध नहीं होगा। Snapdragon 8 Gen 1 Soak के साथ Samsung Galaxy S22 और A15 Bionic चिपसेट के साथ iPhone 13 Pro Max के बीते साल PCMAG द्वारा चलाए गए बेंचमार्क में 3433 और 4647 का मल्टी कोर स्कोर था।